हरिओम। अभी का सत्संग जो है भगवान जी का स्वभाव के ऊपर, हम अपने स्वभाव के देखें किस कारण से हम दूसरे से अलग हैं। घर में अगर दो बच्चे भी हैं तो वो भी स्वभाव से अलग हैं, संस्कार अलग है, स्वभाव अलग है। तो अपने स्वभाव की हस्ती रखकर अपने स्वभाव से चलते हो, तुम स्वभाव के वश हो या नहीं। तुमको कोई कुछ भी कहे तुम मुड़ेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे। मैं राइट हूँ ये कैसे समझते हैं। मुड़ना ही मुड़ना है आत्मा में, ये आत्मज्ञान है। आप लोग भी हमारी तरह जब देखोगे कभी टीवी में, कभी पड़ोस में, कभी कहीं पे, तो हम सोचते हैं कि ये लोग कब किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास पहुँचेंगे। बाहर जाते हैं, कोई वेंडर वाला है, सब्जी वाला है, कोई कचरा उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई झाड़ू बना रहा है, तो ये लोग कब पहुँचेंगे। हम इस तरीके से गुरु हमें तीसरी आँख देता है और फिर एक किस स्वभाव के कारण ये लोग ऐसे बने, मैं किस स्वभाव से अपने खानदान में इस तरफ लाई गई, ऐसे वाले गुरु के पास, ऐसे ज्ञान में। उनके भी होंगे, लेकिन ये वाला जो ब्रह्म ज्ञान है, जहाँ तुम्हें प्रैक्टिकली गुरु तुम्हें हर जगह से वॉच करेगा कि तुम कितना बदले हो। नहीं बदले तो फिर तो मेरा बेकार हुआ, ये जन्म ही बेकार हुआ गुरु मिलने के बाद। मुड़ना ही मुड़ना है आत्मा में। तुम कहेंगे मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है ना, इसलिए मेरे स्वभाव से नहीं टकराओ। तुम फकीर हो या संत, बात कैसे करते हो। फकीर लोग बैठकर झगड़ा करते हैं। देखो कैसे भगवान जी ने अपनी वाणी में एक एक क्वेश्चन मार्क करके बात करी हुई है। जैसे फकीर के जहाँ प्रसाद बढ़ता है तो कोई बीच में आएगा तो उसको गुस्सा आएगा, ये स्वभाव तुम्हारा निकम्मा है। भगवान बोलते, मैं ऐसा भी नहीं कहती कि स्वभाव को भाव से बस करो, पर अपने को बहुत हल्का रखो, ऐसा मुड़ जाओ जो तुमको कोई बोले ऐसा नहीं ऐसा करो तो भी बोलो ठीक है ठीक है। मैं बोलती हूँ ऐसा गुण अगर लड़की ससुराल में गई है, अभी की तो मैं बात ही नहीं करती, अभी क्या बोलूँ मैं, इसे विमेन्स वर्ल्ड नाउ, बट स्टिल कितनी जनरेशन होंगी ऐसी, ऐसा स्वभाव लेके, गहने लेके अगर वो ससुराल में जाओ तो कभी भी डाइवोर्स नहीं होगा। जब मैं दिल्ली में थी तो मैंने भी यही यही सुना था, मौन, धीरज और ईगोलेस, अहंकार, ये तीन गहने, तीन सेट माँ बाप लड़की को दे दें दहेज में तो देखो क्या कमाल हो जाए। कोई कुछ भी बोले बोले ठीक है। और ये स्वभाव जन्मों जन्मों तक आगे जाना है। जब तक हम दोबारा जन्म, बाई चांस, ये तो मोक्ष का निर्वाण पद का है, बाई चांस अगर हमारा जन्म हो भी जाता है तो हमारे, हम ये इन गुणों से पैदा होंगे। छोटा बच्चा बन के जब आएंगे तो सबको प्यारा लगेगा, ये वो वाला ज्ञान है। मैं नहीं बोल रही हूँ मुझे आना है जहाँ आपको आना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, असेंस कैच करें। एक है रबड़, वो मुड़ जाएगा, दूसरी है लकड़ी, वो नहीं मुड़ेगी। नॉयलन का मोजा सबसे फिट है, मेरे को कोई पुराना ना देखे। पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें जो हम माँ बाप की तरफ से लेके आए हैं, वो स्वभाव मेरा कोई ना देखे। गुरु मिलने के बाद मैं सबको बोलती हूँ जो तुम कर रहे हो वो तो संसारी भी कर रहा होगा, फिर तुम्हारे में और एक शिष्यत्व में क्या फर्क है। तुम सत्संग जाते हो, दूसरा नहीं जाता है। पहले वाला स्वभाव एकदम उल्टा हो जाए, सब तो हमारा स्वभाव देखते हैं। यही तो रोज़ की वाणियाँ आई हैं, सुबह ही अपने कमरे से निकलते साथ हमने अपने को पॉज देना है, अपने को हर घंटे के बाद अपने को ज्ञान से उठाना है, सो दैट हम जॉइंट फैमिली में स्पेशली जो रह रही हैं उनका घर मंदिर बन जाए, है ना। कितना मुश्किल हो नहीं तो, एंड द लेडी ऑफ द हाउस, जिसको किचन संभालना है, पूरा परिवार का स्वभाव उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हाथों का खाना खाना है,
सत्संग में आने के बाद हम लोग बाहर नहीं खाते हैं। बाहर अगर खाते हो तो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। एक बार किसने मुझे बताया था, जितने भी मेरे को भी संत लोग जो मिले हैं, जो उच्च कोटि की आत्माएं हैं, हायर कॉन्शियसनेस की, मैं तो छोटे में रही नहीं हूँ। सत्संग मिलने के बाद भी मुझे हायर, जैसे पापा तो कृष्णामूर्ति थे, उनके गुरु, तो मुझे वहाँ के लोगों से भी, टॉप के लोगों से मिलने को मिला। भगवान जी के पास आए तो ऑल जो पहुँची हुए लोग थे, जहाँ जहाँ भी मैं मिली हूँ, मुझे मौका मिला है, तो ऐसे हायर और पहुँचे हुए लोगों के संग में ही मौका मिला। तो इससे क्या होता है, तुम सीखते ही सीखते हो सबसे, तुम्हें मौका दिया गया है और तुम सीख रहे हो। तो भगवान हमारी हस्ती भी निकालते हैं ऐसे करके। और स्वभाव से जब इन लोगों को मिली हूँ तो लगा कि सत्य क्या है, रियल सत्य तो मैंने ऐसे जाना, क्या इसमें निडरता आ गई थी, मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ती थी। अरे फिर मतलब क्या है, तुम्हारे में और दूसरे में क्या फर्क है, तुम तो सत्संग जाती हो, इससे अच्छा है तुम घर बैठो, घर का काम करो, इतनी ऊंची क्लास और हम नर्सरी के बच्चे रह जाएं। नहीं, चलो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्वभाव के ऊपर कि रीइनकॉर्नेशन जो भगवान बोलते हैं, गए जन्म में कौन था, कोई कौन था तुम्हारा, ऐसे ही जब हम पैदा होते हैं तो हमारे स्वभाव कैसे करेंगे। हम जब पैदा होते हैं तो हम उसमें जिस माहौल में जो हमें मिलता है, उस माहौल में हम आके जल्दी से वो संस्कार कैच कर लेते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं, होशियार बन जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत अभ्यास किया होगा। कई छोटी उम्र में कितने बड़े प्लेयर बन जाते हैं, वो उनका पिछले जन्म का ये होगा, अभ्यास होगा। सिंगर देखो, छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं सिंगर, जो सिंगर मरा है एंड एज में, वो बेचारा दोबारा बच्चा बन के वही संस्कार में आ गया। पेरेंट्स अगर स्पोर्ट्स वाले हैं तो बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा, पेरेंट्स अगर उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी हैं तो बच्चे ब्रह्म ज्ञान में जाएंगे। संतान भी वैसा ही लेती है ना, वैसा संस्कार वैसा व्यवहार आ जाता है। एक बार एक लड़की राज घराने में जन्म लिया हुआ था उसने पिछली बारी, और शानदार जीवन जी रही है वो। कैसे, किस का कर्म से वो रानी से नीचे ऑर्डिनरी मिडिल क्लास में आ गई, और वो इतने गरीब घर में जन्म लेती है। वो जो बहुत गरीब लड़का होता है वो एक राजा के वहाँ जन्म लेता है राजघराने में। तो जो पिछले जन्म में राजकुमारी थी वो गरीब घर में भी बहुत साफ सुथरे तरीके से रहती थी, स्वभाव बहुत अच्छा था, अति जागृत अवस्था वाली थी। लोग कहते थे इसका शोक ना राजाओं रानियों जैसा है। तो क्या हुआ, ये स्वभाव कर्म से वो रानी से नीचे गिरी, लेकिन स्वभाव फिर भी पीछा करता रहा। वही राजा लड़का जो झोंपड़े से गया था, वो महलों में भी वो लड़का गंदगी में खेलता था, उसको बड़े बड़े साफ सुथरे लोग पसंद नहीं थे, अच्छे कपड़े पहनना उसको पसंद नहीं थे। देखो ये कहाँ से, वो नौकरों में चाकरों में उनके संग में रहता था। तो राजघराने का लड़के का व्यवहार हल्का हल्का रहा, संस्कार झोंपड़ियों में रहने वाला था रानी का, तो वो राजकुमारी जैसे उसका संस्कार था। उसकी पढ़ाई करने की आदत भी थी, वो अच्छा पढ़ना चाहती थी, और वो जो लड़का है उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। वो झोंपड़े से गया, वो राजाओं से आई। तो स्वभाव जो है वो हमारा कितना मैटर करता है, हमें गोल्डन चांस मिला है अभी ही पूर्ण होने का। बोलते हैं ना ये स्वभाव संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो जो ईमानदार है उसको बेईमान बनने में बहुत कठिनाई आएगी, जो बेईमान है उसको क्या होगा, ईमानदार बनने में टाइम लगेगा। ये अपनी अपनी सोच की सारी वाइब्रेशंस है ना, आत्मा की शक्ति जो है वो भी कैरी फॉरवर्ड करेगी, और कर्म यही रह जाएंगे, हम आगे चले जाएंगे। ये गीता ज्ञान अगर आप लोगों के पास होगी, जो हमें भगवान जी ने ही दी थी, उसमें था कबीर कौन बने थे, प्रहलाद। पिछले जन्मों की कितनी यातना, कर्म खत्म करे हुए, और उसने
हिरण्यकश्यप का घर जन्म लिया था, फिर भी वो विष्णु को नहीं छोड़ा, और उनकी तपस्या से कबीर कैसे कितना उस पिछले स्वभाव से वो आगे कबीर बने। और बुद्ध का बोलते हैं जब वो पशु योनि में भी थे, हमने बुद्ध की पिक्चर में देखा था, वो हाथी के जन्म में थे, उनके पाँव के नीचे खरगोश आ गया था, तो उस समय भी करुणा है स्वभाव में बुद्ध के पास, वो पाँव नीचे नहीं करा कि खरगोश मर जाएगा। इतनी देर में जंगल में आग लग गई, शरीर सारा जल गया, लेकिन खरगोश को नहीं मारा। और एक और देखा था बुद्ध का जन्म, जो कोई जा रहा था गेरुआ कपड़े पहने, जो वो भिक्षा लेके जा रहे थे, तो रास्ते में कोई अंधा मिला जिसकी दोनों आंखें नहीं थी, तो बुद्ध ने अपनी आंख निकाल के बोला मेरे पास दो है, तुम एक ले लो। देखो स्वभाव, ये वाणिया, ये ज्ञान, किसी जन्म में हम रोएंगे ही नहीं जो हम आके रोते हैं, जेठ खा गया, जेठानी खा गई, बेटा ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, बहू ऐसे आई, ये सब क्या है? सच्चे हायर कॉन्शियस के हमें गुरु मिले और हम इतना छोटी दुनिया में रह जाएं, हम मेहनत ही नहीं करें, हम माने ही नहीं। वो हमें दिखा रहा है, माता तुम पिछले जन्म में, नींद आ गई थी जब मैं आई थी, जब मैंने दिल्ली में देखा भगवान के पास हैंडीकैप बच्चे लेके आ रहे हैं, फार्म हाउस में औरतें रखी हैं तो रो रहे हैं कि हमारा हस्बैंड उधर है, तो भगवान बोलते थे तुमको नींद आ गई थी जब मैं थी उधर, मैं था, तो उन्होंने नहीं समझा इस बात को, क्योंकि हम अग्नि क्रॉस नहीं करते हैं, सहन नहीं कर सकते गुरुओं के यहाँ आके, गुरु भाई बहनों की अग्नियाँ, तो फिर हम दोष किसको देते हैं? फिर तुमको डबल दुख डाल के फिर तुम वापस आते हो, दोबारा शक्लें चेंज होती हैं, गुरु पहचान जाता है कि माता कैसे दोबारा ऐसे कर्म से आई है। हम अभी ही संभल जाएं, हम देखें वो क्या बोल रहा है, तो फिर आए क्यों अगर हम उसकी बात को नहीं समझेंगे? वो हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों लोकों की घटनाएं बता रहा है। तो आशा है आप सारे भगवान जी की कृपा से आपका स्वभाव आज ही बदल जाए, कल किसने देखा जो समय अभी आ रहा है। हम सब अंदर बैठे हैं, नासा में, दूसरी जगह में सब खोज लगी हुई है कि दुनिया में हो क्या रहा है, कलगी अवतार पैदा हो चुका है, क्या होने वाला है, और हम मस्ती में बैठे हुए हैं। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।